वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। दूसरे वीलॉग से आज आप मेरी सूरत थोड़ी कबूल सूरत लग रही होगी आपको। जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा आज बेहतर बन के आई। उसकी वजह ये है कि आज हमारा फ्रेंड्स का बाहर जाने का प्लान बन रहा है। मैं चल चल के आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी रुकती हूँ वहाँ कोई ना कोई आ जाता है और फिर जाहिर सी बात है थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अब भी द स्ट्रगल वी आर गोइंग थ्रू इज़, मुझे कॉल आ रही है वैन वाले की, मैं दोबारा क्लिप को कंटिन्यू करूँगी। हमने मैम की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि लेक्चर होना था क्या 12:15 पे ख़त्म। मेरी मैम बोल रही है बीच में, लेक्चर 12:15 पे ख़त्म होना था। हमने मैम से कहा, मैम प्लीज़ 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 आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे है जो कि नहीं है, और हमें 11:45 पे फारिग कर लें। मैम ने उस दिन बच्चों को कहा था, मैम ने उस दिन बच्चों को कहा था कि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आनी है। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, दरिया बिछा लो और इसी में बैठ जाओ। ये देखो ना, नहीं जो साथ जोड़ी भी हुई है हो गया क्या, चढ़ने में मुश्किल ना हो क्योंकि इसको बिल्कुल। अच्छा अब तो अब आप मास्क के साथ आप बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हैं। क्या आप बताना चाहती हैं हम कहाँ जा रहे हैं? हम 14th Street जा रहे हैं टाइम ज़ाया करने और पैसा उड़ाने। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम ना जाएँ ना तो वो वाला वो फिर हम थक जाएँ और मज़ा ना आए, है ना। हाँ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ हम जा रहे हैं, मज़ा लेने जा रहे हैं। ये हम भी सिर्फ सुधरे बैठे हैं, बाकी तो सारे बेचारे। बताओ यार अपने हाल सुना। 14 यार कोई बात नहीं, वैसे भी लड़कियां जब जब हॉस्टल गर्ल्स जाती होती हैं तो ऐसे फंस फंस के जाती हैं बेचारी में, तुम लोग साथ जुल्म करना पड़ा है।
मिलन जा रही हूँ, ठीक है? दिस इज द एंट्रेंस. अच्छा मिलता है, डोमिनोज का अच्छा है और 14th स्ट्रीट का अच्छा है. पता नहीं कंसेंसस से डिसाइड हुआ कि हम 14th स्ट्रीट जाते हैं, तो आई मीन 14th स्ट्रीट नाउ. मुझे पता नहीं है कि वीलॉग इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं. इसमें से हमने ऑर्डर की है डी नंबर 3. नहीं तुम लोग बोल लो, कुछ नहीं होता. अच्छा बाद में वो करते हो. हाँ वॉइस ओवर हो जाता है या थोड़ा सा वो भी अच्छा लगता है, कैजुअल सा लगता है कि वॉइस ओवर नहीं है. मीन वाइल खाना बन रहा है तो सारे लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं. एक झुंड यहाँ है, ठीक है, एक झुंड वो है. लाइट काफ़ी कम है तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन चलो गाइस अभी तक भी हमारा तस्वीरों वाला ही सीन चल रहा है क्योंकि और कोई काम नहीं हमारे पास करने के लिए. यार अब तो कोई खाना ले आओ, भूख लग रही है बहुत. कितना टाइम हो गया है भाई, यहाँ तक क्या मेरी आईब्रोज भी, मेरी फेक आईब्रोज भी जवाब दे रही हैं कि अब हम ख़राब हो जाएंगे. अगर खाना ना आया तो हम ख़राब हो जाएंगे. गाइस अब तक तस्वीरें बना रही हैं. गाइस मैं तो थक चुकी हूँ बिल्कुल तस्वीरें बना के, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है. ये अभी आवाम अभी तक तस्वीरें बना रही है. यार यहाँ मुल्तान का पानी ऐसा है, यहाँ पिंपल्स हो जाते हैं. मेरे जब मैं पहले आई थी ना तो मेरे पिंपल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ना मतलब फिर मेरे बहुत ज़्यादा हो गए जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी. और हॉस्टल का खाना भी इतना स्पाइसी है कि इससे पिंपल ज़्यादा हो जाते हैं. अब मैं अपनी बहन के घर रह रही हूँ ना, मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ, इस वजह से मेरे पिंपल्स जो है ना वो थोड़े कंट्रोल्ड हैं. लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, अजीब तरह ड्राई कर देता है, ड्राई करके फिर पिंपल्स निकल आते हैं, मतलब अजीब तरह का है पानी. हाल क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही. हमने वो बना दिया, वैसे ही बन गया. मैंने फ्रेंड से कहा कि यार इसकी एक बनाना.